कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी कड़ी में सदन के सुचारू रूप से संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई लोग शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के लिए सभी दलों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भाजपा अब तक इस सर्वदलीय बैठक से दूरी बनाकर रखा हुआ है। आज की बैठक के बाद 28 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन चलेगा। बैठक में कुछ नहीं, जैसे 28 जुलाई से नीचे गजे चुप रहिए ना आप लोग। 28 जुलाई से मॉनसून सत्र का शुरुआत होने जा रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहला दिन माननीय अध्यक्ष का भाषण होता है और फिर जो है शोक सभाएं होकर ही एडजॉर्न हो जाती है, और रह गया सोमवार से लेकर फ्राइडे तक 4 दिन जो है एजुअल होता है, प्रश्नकाल होता है, ध्यानाकर्षण होता है, लास्ट डे गैर सरकारी संकल्प भी होगा, और 3 विधायक जो होगा 2, 3, 4 तक जो विधायक अभी अभी पहुँचा ही नहीं, तो इस तरह हम लोग का जो है उसका खत्म होगा। ये तो कितना नहीं, तो उनकी पार्टी का बात है, वो किनको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो जाने। नहीं सर, आता ही नहीं कोई बीजेपी की तरफ से आज तक। नहीं नहीं, आते हैं इधर, एक दो हम लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि रंजीत नारायण को तो दिखे गतिरोध होगा या नहीं होगा, ये कहना बड़ी मुश्किल है। उसका विधायक दल का नेता अभी फिलहाल निश्चित तौर पर हाउस तो चलनी चाहिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दा है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है सदन चलानी, इसलिए हमें विश्वास भी है कि सदन अच्छी से चलेगी और सरकार की तरफ से जवाब संतुष्टजनक दिया जाएगा, जो जनमुद्दा उठकर आएगा सरकार उसको करने की करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।